नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्टार एकेडमी। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज के इस स्पेशल डे में मैं आपको एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि किस प्रॉब्लम पे या ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जब हम ये एक्सेल में कर सकते हैं, जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक टेबल बनाया है जिससे मैं सेल्स, टीचिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, शेयर, लोन, सेल्स के अंदर उनका नाम है जो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करते हैं, टीचिंग के अंदर उसका नाम है जो टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, उस तरह मार्केटिंग, फाइनेंस, शेयर और लोन। अब मान लीजिए हमें नहीं पता है कि हम किसी के नाम को सर्च करना चाहते हैं कि वो किस डिपार्टमेंट में है, ये हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि वो किस डिपार्टमेंट में है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक सर्च बॉक्स बनाया है जिसे मैंने लिखा विनय। तो विनय मैंने जैसे यहाँ लिखा तो वो हमें शो कर रहा है फाइनेंस वाले कॉलम में। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो विनय है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अगर मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं सुजीत, तो आप देख सकते हैं कि सुजीत जो शो कर रहा है वो लोन वाले कॉलम में शो कर रहा है, लोन डिपार्टमेंट में। तो इस तरह हमें समझने में या ढूंढने में आसानी हो रहा है कि कौन किस डिपार्टमेंट में काम करता है। आप इसका यूज तब भी कर सकते हैं जब आपके पास एक बहुत ही ह्यूज डेटा है, तब भी आपको अगर ढूंढना है, आप तो मैनुअली ढूंढ नहीं सकते हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सर्च बॉक्स बना सकते हैं जैसा मैंने बनाया है। उसके बाद आप उस सर्च बॉक्स में जो भी नाम लिखेंगे वो आपको, आपका जितना भी आपने टेबल सेलेक्ट करेंगे उस पर वो अगर लिखा होगा तो वो आपको हाईलाइट होके शो करेगा, जिससे आप उसे समझ पाएंगे कि वो किस डिपार्टमेंट में है या कहाँ है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि मैं ये किस तरह बनाया है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो ये फॉर्मूला लगाया या जो भी लगाया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो आप कैसे जानेंगे कि मेरा फॉर्मूला कहाँ लगा हुआ है, किस सेल में लगा हुआ है, किस टेबल पे लगा हुआ है, किस जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। ओके, ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से किया है। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि पूरे शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ लगा हुआ है, हम कैसे जानेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम पूरा शीट को सेलेक्ट करेंगे। अब शीट सेलेक्ट कैसे किया जाता है, आप चाहे तो कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं, चाहे आप इस कॉर्नर पे क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है होम टैब के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट में। उसके बाद आपको जाना है, अगर आप फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं तो फॉर्मूला में क्लिक करें, कमेंट ढूंढ रहे हैं तो कमेंट में क्लिक करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखना चाहते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करें, डेटा वैलिडेशन तो आप डेटा वैलिडेशन में क्लिक करें। तो हम क्या ढूंढना चाहते हैं कि हमें किस टेबल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, ये हमें ढूंढ के बताइए आप। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। तो जैसे ही मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि जिस टेबल के अंदर जहां से जहां तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है वह टेबल ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये राम से लेकर हरीश तक, यहां से लेकर यहां तक, ये हमें अब पता चल गया है कि यहां से यहां तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। तो चलिए हम इसे रिमूव कर देते हैं, क्लियर करते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि हम इस बॉक्स के अंदर यानी कि इस सेल के अंदर जो भी लिखेंगे वो अगर इसके अंदर उसका वो नाम है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, यही करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो नाम जहां से शुरू हो रहा है वहां से लेकर जहां तक हमारा टेबल है, जहां तक हमारा नाम खत्म हो रहा है, वहां तक हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राम से सेलेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ये रो पूरा नाम का है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहां तक हमारा नाम है, हमें इसमें ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें होम टैब के अंदर जाना है। उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जाने के बाद आपको जाना है न्यू रूल्स में। उसके बाद आप देखिए यहां सबसे लास्ट ऑप्शन जो है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, जहां आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला क्या है, आपको क्या करना है, जो लिखा गया है यहां देखिए, फॉर्मेट वैल्यूज
वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। उसके नीचे आपको बॉक्स देखने को मिल रहा है, उस बॉक्स पे आप एक बार लेफ्ट क्लिक करें, आपका कर्सल शो होने होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जहां से लेकर जहां तक टेबल सेलेक्ट किया है उसका पहला जो सेल है उस पर आप क्लिक करें। जैसे कि राम हमारा पहला सेल है, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो सेल एड्रेस है वो है B5, तो यहाँ B5 आ गया है। बट उसके आगे जो है डॉलर का साइन लगा हुआ है, बी कॉलम के आगे भी और 5 रो के आगे भी, यानी कि फिक्स्ड है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसका जो डॉलर का साइन है उसे हम हटाएंगे। हम F4 प्रेस करेंगे 3 टाइम, F4, तो देखिए डॉलर का साइन जो है वो हट गया। उसके बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है इज इक्वल। उसके बाद जिस सेल में आप नाम लिखेंगे मैनुअली उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है, तो इस पे हम लिखेंगे, तो हम इसे सेलेक्ट किए। इसे ही आप फिक्स रहने दें, फिक्स मतलब इसका जो सेल एड्रेस है IJ, उसके आगे देखिए आई के आगे डॉलर का साइन लगा हुआ है और जे के आगे भी डॉलर का साइन लगा हुआ है, तो हम इसे डॉलर का साइन लगा हुआ रहने देंगे। उसके बाद हमें जाना है फॉर्मेट में, उसके बाद हम जाएंगे फील में। तो आपको यहाँ जिस कलर से हाईलाइट कराना है उस सेल को, उस नाम को, आप वो नेम को यहाँ उस कलर को आप यहाँ से सेलेक्ट करें। तो मान लीजिए मैं येलो करता हूँ। उसके बाद बॉर्डर में जाएंगे, आउटलाइन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉन्ट में जाएंगे, बोल्ड को ले लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे नंबर में, उसके बाद आप चाहे तो नंबर से भी कस्टम सेटिंग कर सकते हैं, हमें फिलहाल नंबर में नहीं जाना है क्योंकि नंबर फॉर्मेट सेल के लिए आता है। हमने यहाँ बोल्ड ले लिया, उसके बाद हमने बॉर्डर ले लिया, फिर हम फिल कलर भी ले लिया। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि जो नाम हाईलाइट हो उसका जो अल्फाबेट है उसका कलर रेड हो, तो देखिए कलर के नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ऑटोमेटिक, आपको इस डाउन एरो पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आप ओके प्रेस करें, तो आपको देखिए प्रीव्यू में दिखा रहा है कि अगर आपका हाईलाइट होकर आएगा तो वो इस तरह आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ओके प्रेस करना है। तो देखिए कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बॉक्स में हमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं। अब मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं प्रतीक, तो हमें नहीं पता है कि प्रतीक किस फील्ड में है, किस डिपार्टमेंट में है, तो हमें सिर्फ नाम पता है उनका। तो हम जब सर्च बॉक्स में प्रतीक लिखेंगे उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें शो करेगा कि वो किस डिपार्टमेंट में है। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं कि प्रतीक जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है और वो हाईलाइट हो रहा है। ओके चलिए हम यहाँ एक और लिखते हैं, हम लिखते हैं हरीश। तो आप देखिए हरीश जैसे मैंने लिखा, हरीश 2 है, टीचिंग डिपार्टमेंट में भी एक हरीश नाम से है और एक लोन डिपार्टमेंट में भी हरीश नाम से है। तो इस तरह एक्सेल में हम एक सर्च बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमें डेटा को ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एक्सेल एडवांस एक्सेल और टैली RP9 विथ GST से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया जो फेसबुक पे इसी नाम से है कंप्यूटर स्टार अकेडमी, तो आप मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।